नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है, रविवार का दिन छुट्टी का होता है, तो इस छुट्टी वाले दिन आज हम आपको कुछ सब्जेक्ट का नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आपके सब्जेक्ट से हट करके एक ऐसा नॉलेज जो जरूरी है, जो रोमांचित करने वाला है, लेकिन हम सबको जानना है। नॉलेज ये है कि वैज्ञानिकों ने एक दावा किया है कि भविष्य में हम मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर लेंगे, लेकिन उनकी ये तकनीक कब तक विकसित होगी भविष्य में, इसकी वो गारंटी नहीं देते हैं। लेकिन लोगों में, जो पैसे वाले लोग हैं विदेशों में, उस तकनीक को लेने के लिए उनमें होड़ लग गई है। तो क्या है तकनीक, इसके बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटा ही है लेकिन ज्ञानवर्धक वीडियो है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है सिडनी। सिडनी के एक कंपनी है, उसने एक हाईटेक फ्रीजर विकसित किया है। हाईटेक फ्रीजर का मतलब कि ऐसा फ्रिज जिसके अंदर बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर हो, यानी बहुत कम टेम्परेचर हो, एकदम माइनस में हो, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस माइनस में टेम्परेचर, ऐसा हाईटेक फ्रीजर विकसित किया है। और उसी फ्रीजर में वो शवों को रख करके दावा कर रही है कि हम भविष्य में जब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होगी जिससे मरे लोग जिंदा हो जाएंगे, तब हम इन शवों को बाहर निकालेंगे और इनको जिंदा करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि साइंस इतना आगे आजकल जा चुका है कि वो अंग प्रत्यारोपण कर रहा है, मतलब किसी की किडनी खराब है तो दूसरे की किडनी लगा दे रहा है, दिल खराब है दिल लग जा रहा है, लीवर लग जा रहा है ना, तो बहुत ज्यादा अंग प्रत्यारोपण भी हो रहा है। तो इसको देखते हुए लगता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए, आदमी जब मरता है तो उसका या तो ब्रेन या तो दिल, इन दोनों में पहले काम करना बंद कर देता है। अगर धड़कन ने धड़कना बंद कर दिया, यानी कि दिल ने काम करना बंद कर दिया, तब भी हो सकता है कि कुछ समय तक ब्रेन काम कर रहा हो, या फिर ब्रेन डेड हो गया है तो हो सकता है कि दिल धड़क रहा हो। तो जब डॉक्टर ही में जाते हैं लोग मरे हुए को लेकर के, तो वो दोनों की जांच करते हैं कि ब्रेन डेड हो गया है और दिल भी धड़कना बंद कर दिया है। जबकि दोनों डेड हो जाते हैं तब व्यक्ति को मरा हुआ घोषित किया जाता है। और कभी कभी जब ब्रेन डेड नहीं होता है, दिल धड़कना बंद कर देता है, तो प्रायः डॉक्टर जिंदा भी कर लेते हैं, यानी कि धड़कन उनमें वापस भी आ जाती है। इसके लिए वो काफी प्रयास करते हैं, लेकिन एक टेक्निक है, बार बार पुश करते हैं और धड़कने लगता है दिल। तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि दिल धड़कने लगे या डेड ब्रेन भी काम करने लगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिडनी की कंपनी जो हाईटेक फ्रीजर विकसित किया है, उसने ये बताया कि आप हमारे पास जो आपके मरे हुए लोग हैं कोई भी, जब वो आएंगे तो हम उनको अपने फ्रीजर में रखेंगे, और जब वैज्ञानिकों द्वारा वो टेक्नोलॉजी विकसित होगी जिसमें मरे लोग जिंदे किए जाएं, तब हम इनको बाहर कर देंगे और इनको जिंदा किया जाएगा। तो उसने किया क्या है, प्लास्टिक के चैम्बर बनाए हैं, स्टील के चैम्बर हैं और 40 चैम्बर हैं। एक चैम्बर में एक शव को रखा जाता है, इस तरह से कुल 40 शवों को रखने की उसके पास सुविधा है। एक शव को रखने के लिए भारतीय रुपए की बात करें तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च आता है, यानी 1.25 करोड़ रुपए के खर्च में वो रखेगी। लेकिन भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं देती, यानी कि भविष्य में आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, यानी जो भी रखेगा व्यक्ति यहां पे वो अपने रिस्क पे रखेगा। इसी तरह की एक कंपनी कैलिफोर्निया में बनाई गई थी, क्रायोनिक्स सोसाइटी द्वारा, तो वहां पे उसने 900 शवों को रखा था, यही लालच दे करके कि मतलब भविष्य में जब कभी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होगी जिससे मरे लोग जिंदा किए जाएंगे, तो हम इन शवों को बाहर निकालेंगे और वो जिंदा हो जाएंगे। लेकिन जब कंपनी को घाटा लगने लगा तो उसने फिर ये काम करना बंद कर दिया और शवों को बाहर छोड़ दिया, और सारे शव सड़ गए। हालांकि जिनके शव थे उनके परिजनों ने मुकदमा लड़ा और जीते, बाद में कंपनी को हर्जाना भी देना पड़ा। तो यहाँ पे सारी डील पहले ही हो गई है कि वो 40 शवों को रखेंगे और नाइट्रोजन में डुबो कर रखेंगे, -200 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, ब्रेन की क्षति बहुत कम होगी, ताकि जब वो शरीर को बाहर निकालें तो शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव न आया रहे। लेकिन 1.25 करोड़ रुपए खर्च है, 40 लोगों की रखने की व्यवस्था है। तो जिनके पास पैसा है, जो बहुत बड़े लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनके परिजन फिर से जीवित हो उठें, इस उम्मीद में वो यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन आम लोगों के लिए ये अभी बहुत दूर की बात है। हालांकि वैज्ञानिक इस पर बहुत ही आसानवित हैं कि भविष्य में ऐसा होगा कि मरे हुए लोगों को हम जिंदा कर लेंगे, लेकिन जिस
जिस गति से विज्ञान विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं, सर्जरी हो रही है, लीवर बदले जा रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हुए एक उम्मीद तो है कि हो सकता है कि मरे हुए लोगों को जीवित कर लें वैज्ञानिक। इस पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको जो जो दुनिया में हो रहा है, जो जो कुछ विचित्र है, कुछ अनोखी चीज़ें हैं, वो आपके सामने रखें। अपना विचार, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।